नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि राहु ग्रह कहां पर होता है हमारे हाथों में और इसका प्रभाव क्या रहता है। कहते हैं ना कि राहु एक छाया ग्रह है। राहु की बात करते हैं तो छिपे हुए धन की भी बात करती है और खोई हुई वस्तुओं के बारे में भी बताता है। जैसे कि कहते राहु एक मास्टरमाइंड है, दिमाग को परेशान करना और कभी बड़े बड़े ख्यालों में लेकर जाना, अगर ये हमारी लाइफ में परेशानियों का कारण बनता है तो उस परेशानी को झकझोर के रख देता है। और इसका मतलब कि राहु जब कहते हैं ना देता तो बहुत कुछ देता है, लेकिन परेशान करता है तो बहुत परेशान भी करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथों पर देखते हैं राहु का प्रभाव और राहु के पर्वत कहां पर है। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा के साथ की हमारी मस्तिष्क रेखा और इसी के साथ हमारी हृदय रेखा। इन रेखाओं के बारे में बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन आज हमने राहु के पर्वत को देखना, उसका प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता क्या है। कहते ना कि इंसान राहु वाला व्यक्ति उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको अपने मित्रों का सहयोग भी कई बार बुरा लगने लग जाता है। कई बार वो उसका अपना खुद का डिसीजन ये नहीं समझ में आता है कि वो करता क्या है, कंफ्यूज हो जाना, न किसी से बातें करना, बातें करना तो तेज आवाज में बातें करना। अगर राहु का प्रभाव कहीं शुक्र के साथ मिल जाता है तो ऐसे लोग प्रेम व्यवहार के साथ प्रेम विवाह भी करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने उसके प्रभाव को देखना है। जैसे कि राहु का जो क्षेत्र माना जाता है, राहु का क्षेत्र जो हमारे हाथ में दिखता है, राहु का क्षेत्र ये चंद्रमा का क्षेत्र और ये मंगल का क्षेत्र, ये मंगल का क्षेत्र बताता है और ये मंगल का क्षेत्र, और इसी के साथ ये जो है ये वाला जो घेरा बनता है और ये वाला ये जो क्षेत्र बनता है ये राहु का बनता है और इसी क्षेत्र में राहु का वास होता है। अब राहु के तीन प्रकार होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जीवन में हल्की लाइनें और एक मीडियम लाइनें और एक ज्यादा डार्क लाइनें, ये आते हैं। जब भी इन राहु रेखाओं का वार हमारी लाइफ में आता है, छोटी मोटी रेखाओं का इतना बहुत ज्यादा असर नहीं मैंने देखा है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी या गूढ़ी रेखाओं का वार अगर आता है तो शायद वो सदमा आप भूल भी नहीं पाएंगे कभी लाइफ में कि हमारे जीवन में ये घटनाएं घटी थी। जब भी राहु रेखाओं का वार हमारी हल्के के रूप में होती है, जिंदगी में एक तरह का उलझन पैदा करता है, दिमाग को परेशान करने का काम करता है। ये असर तब दिखता है जब आपके लाइफ में परेशानियां आती हैं। अगर कहीं ना कहीं ये रेखाएं जीवन को प्रभावित तब करती हैं, इमोशनल तब करती हैं जब किसी रेखा को काटती हैं, आड़ी रेखाएं जब भी जीवन रेखा को काटती हैं तो जीवन को प्रभावित करती हैं। जीवन के उस काल में घटना का क्रम आपको याद रहेगा। अब जैसे जीवन रेखा को काटा है, ये रेखा काटती है, जब भी ये रेखाएं काटती है राहु की, इस जीवन में उस समय इंसान को परेशान करके रख देती है, झकझोर के रख देती है।
और इमोशनल करके रख देते हैं। आदमी का भावुकता द्वारा जो विचार है उसके गुस्से में परिवर्तन कर देती है। कहते हैं राहु वाला व्यक्ति अशांत मन का हो जाता है, और ऐसे लोगों का विचार, ज्यादा बातें करना और बातें करके भी उस बात से मुकर जाना, कहते ना मास्टर माइंड होता है, चलते चलते हुए गेम को पलट दे, वो राहु का काम है। इसी प्रकार से हमारे जब भी मोटी रेखाओं का वार होगा हमारे जीवन लाइफ लाइन पे, तो उस घटना को ज्यादा परेशान करने का संवाद उठता है। जब भी इस भाग रेखा को काटे, अगर मान लो एक रेखा राहु की भाग रेखा को काटा, जब भी इसका प्रभाव जीवन रेखा को काटा तो जीवन में संघर्ष, आपके फेट लाइन को काटा तो आपके व्यवसाय में परेशानी, आपके माइंड लाइन को काटा तो आपके मानसिक परेशानी। अगर ये हार्ट को भी काटती है तो आपको दिल की बेचैनी, किसी न किसी कारण बस ये राहु दिखाई ही देता है। जब भी रेखाओं का वार ज्यादा जोर का या किसी रेखा को काटे और ये राहु रेखाएं निकलती है, हमारी मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का पर्वत और ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, यही दो स्थानों से ये राहु रेखाएं निकलती हैं। अब इस हम इसकी जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे जीवन रेखा से भी कैलकुलेशन में निकालते हैं और हमारे भाग रेखा से भी निकालते हैं। जिस अवस्था में, जिस एज में ये राहु रेखाओं का वार है, उस एज में आपके जीवन में उथल पुथल मचेगी, आपके जीवन में दुखों का एक बड़ा संकट आएगा। अब हमारी भाग रेखा को जब भी क्रॉस करेगी ये राहु रेखा, या हमारी विवाह रेखा को जब भी करेगा तो विवाह में उलझन, विवाह में कलेश, मैरिज लाइफ में दिक्कतें, ये आपके लाइफ में अवश्य देखने को प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसे लोग अपने मन की स्थिरता, अपने मन के बात को कहने में सक्षम नहीं होते, इनका माइंड ही कुछ और होता है, करते कुछ और है, कह देते कुछ और है। इसी प्रकार से सूर्य रेखा अगर कभी भी एक रेखा का वार इसी राहु रेखा से आपके सूर्य रेखा को काट देती है, तो सूर्य रेखा जैसे हम जानते हैं कि मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, उस अवस्था में आज आपको बदनामी जरूर दिलाएगा, आपको अपने विश्वास पात्र से धोखा मिलेगा, आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा राहु, अच्छे हुए काम को बिगाड़ देता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।